क्या आपका बैठने का तरीका सही है? ऑफिस में आप चेयर पे सही तरीके से बैठते हैं या कहीं पे भी आप चेयर पे बैठते हैं सही तरीके से बैठते हैं? नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। सो आज मैं आपको बैठने का तरीका बता देने वाला हूँ। मैक्सिमम लोग जब बैठते हैं ना चेयर पे गलत तरीके से बैठते हैं और उसी वजह से आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इससे पहली वीडियो हमने बनाई है खड़े होने का सही तरीका बताया कि किस तरह से आपको खड़े होना चाहिए, ठीक है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे ना उसको देख लीजिए, आपको खड़े होने का तरीका पता लग जाएगा। बैठने का तरीका मैं बताता हूँ। ऑफिस में काम करते हैं मैक्सिमम लोग, 8-8 घंटे की आपकी शिफ्ट होती है, तो उस वजह से आप चेयर पे बैठते हैं और चेयर पे बैठने का तरीका सही नहीं था, उस वजह से आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है। उनमें से एक बहुत कॉमन होती है वेरिकोज वेन्स, वेरिकोज की प्रॉब्लम होने लगती है, पैरों में स्वेलिंग आने लगती है। दूसरी ये, तीसरी बैक में पेन होने लगता है। नेक्स्ट आपके सर्वाइकल में पेन होने लगता है, सर्वाइकल रीजन में सर्वाइकल पेन आपको होने लगता है, कंधों में पेन होने लगता है। तो इन सभी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं आप अगर आपका बैठने का तरीका सही है। अब मैं दिखा देता हूँ गलती क्या आती है। देखिए पूजा जी बैठी हुई है ना, ये देखिए इस तरह से नीचे से, अभी आपका कैसे था वैसे ही बैठिए ना, अभी इस तरह से नीचे एकदम गर्दन नीचे थी, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बैक में आर्च बना हुआ है। और मैक्सिमम लोगों के पैर क्या होते हैं, ऊपर लटके हुए होते हैं, ये इस तरह से पैरों पे पूरा गैप नहीं होता, पैर ठीक तरह से ज़मीन पे लगे हुए नहीं होते हैं। तो अब मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरह से बैठना चाहिए, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले जब आप चेयर पे बैठते हैं आपके पास कुछ एक ऐसी चीज़ हो, आपका स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। सबसे पहले तो स्पाइन स्ट्रेट करिए सीधा एकदम, और जैसे आप लैपटॉप पे या सिस्टम पे काम कर रहे हैं इस तरह से सामने, रोल योर शोल्डर बैक और सिस्टम आपका एकदम सामने हो, ठीक है। ये मैं डिटेल में बता रहा हूँ तो इसलिए आपको लग रहा है कि ये कहाँ ऑफिस में ध्यान रखेंगे, बट आपको करना पड़ेगा अगर आपको स्वस्थ होना है। सर्वाइकल में पेन नहीं चाहिए ना तो करना पड़ेगा, कंधे को ठीक करना है तो करना पड़ेगा, स्पाइन में या लोअर बैक में दर्द ना हो तो ये आपको करना पड़ेगा। तो ये तो हुआ आपकी अपर बॉडी। रोल योर शोल्डर बैक, थोड़े से शोल्डर पीछे होने चाहिए इस तरह से, ठीक है। लंग्स खुले हुए होने चाहिए, तो ये ऊपर की पोजिशन हो गई। अब इससे आपका सर्वाइकल रीजन का जो पेन अधिकतर रहने लगा वो ठीक हो जाएगा। मोबाइल को भी इस तरह से ना देखें, थोड़ा सा अगर देखना है तो सामने देखिए। नाउ बैठने का तरीका देखिए जी, इस तरह से ये पैर एड़ियाँ उठी हुई हैं, ये उठानी नहीं है। वेरिकोज, पैरों में जो दर्द होता है ना, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वेरिकोज वेन्स होने लगती है, वो अगर आप ऐसा करते रहोगे कभी ठीक नहीं हो सकती। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी ब्लॉक लीजिए, एक छोटे छोटे स्टूल आते हैं, छोटा अपनी लेंथ के हिसाब से आप उसको बनवा लीजिए, और जब आप बैठें तो उस पर पैर रखिए इस तरह से। ये पैर रखने हैं तो इसमें आपका यहाँ से ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए ना, जब आप नीचे बैठते हैं लटकता है तो यहाँ से अगर ये ब्लॉक हो जाता है नी के पीछे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, ब्लड सर्कुलेशन आपका ऊपर वापस नहीं जा पाता नोट्स के थ्रू। जब वाल्व लगे होते हैं, जब आपका ब्लड ऊपर से नीचे तो चला जाता है इजीली, बट नीचे से वापस हार्ट की तरफ जाता है ना, जो वाल्व लगे होते हैं, जैसे ही ब्लड हार्ट पंप करता है वो वाल्व खुलता है, ब्लड ऊपर जाता है, ठीक है, उसमें बाधा आने लगती है, वो रुकने लगता है। तो ब्लड ऊपर नहीं जाएगा तो आपके पैरों में स्वेलिंग रहने लगेगी। तो ये इस तरह से, ये यहाँ पे ये लॉक नहीं होना चाहिए, ये इस तरह से इसको थोड़ा सा खुला स्पेस छोड़ दीजिए और थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, जिससे ये ब्लड फ्लो आपका इजीली वापस जा सके। इस तरह से बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो ये प्रॉब्लम्स है ना, वेरिकोज की प्रॉब्लम्स भी अधिकतर, उसके लिए एक्सरसाइज अलग होती है, पर क्या नहीं करना वो मैंने आपको बता दिया, सही तरीके से कैसे बैठ सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो अब आगे से आपको ऐसे ही बैठना है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ना, जिससे हम और लोगों की भी मदद कर सके। दिन में एक अच्छा काम करना होता है यही कर लीजिए, है ना, तो लोगों की मदद करनी है जितना हम मदद कर सकते हैं। और किसी टॉपिक पे हमसे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर, कमेंट करते रहिए और वीडियो शेयर करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।